जो शख्स अपने वालदैन के लिए रोजाना मगफरत की दुआ करे, वालदैन जिंदा हों तब भी, फौत हो गए हों तब भी, इसमें कभी भी नागा ना करे, सारी जिंदगी उसके रिस्क में बेबरकती नहीं आ सकती। सारी जिंदगी तजुर्बा करके देख, रोजाना उनके लिए मगफरत की एहतमाम के साथ दुआ कीजिए, सारी जिंदगी उनके रिस्क में बेबरकती नहीं आएगी। अल्लाह बरकतों का नुजूल फरमाएगा। तो खुश नसीब वो हैं जो अपने माँ बाप की इज्जत करते हैं, उनके सामने अपने बाजू सुकेड़ के रखते हैं और उनके मामलात में, उनके तर्ज जिंदगी में, उनके अंदाज़े मुआशरत में खुश रहते हैं और उन्हें राहत आसानी और उनके लिए मोहब्बतें बिछाते हैं, तो अल्लाह ताला उनके लिए आसानियां पैदा करता है, रहमतें पैदा करता है। वालदैन के हवाले से ज़रूर आप और मैं देखें कि हमसे कोई कोताही सरज़द तो नहीं हो रही, और अगर वालदैन फौत हो गए हैं, इंतकाल कर गए हैं, तो आप कहें कि ये बातें हमने पहले सुनी होती तो बड़ा फ़ायदा होता, अब तो वालदैन इस दुनिया से जा चुके हैं, तो अब हम उनकी खिदमत कैसे कर सकते हैं। उनके लिए दुआ करें, उनकी रूह भी आपसे राजी हो जाए। उनके लिए जुमातुल मुबारक के दिन सूरह यासीन पढ़े जाके उनकी कब्र पे, तो उनकी भी मगफरत हो जाएगी, आपकी भी मगफरत हो जाएगी। ये वालदैन के साथ उसने सलूक का नतीजा है। वालदैन की रिजा जोई हमेशा मलहूज रखो। ये तुम्हारे लिए दीन है, नवाफल पढ़े जा रहे हैं, लेकिन माँ बाप को जरूरत है तो उनकी खिदमत नहीं कर रहे, अल्लाह को वो नवाफल कबूल नहीं है। माँ के कदम दबाओ, बाप के पाँव चूमो, तो तुम्हारे नवाफलों से बेहतर तुम्हें जब वो दुआ देंगे, अल्लाह अपनी रहमतें तुम्हारे ऊपर नाजिल कर देंगे, तो उनकी खिदमत करो। एक शख्स जिहाद का इज़्ज़त लेने के लिए हुजूर की खिदमत में आया, हुजूर मैं जिहाद पे जाना चाहता हूँ, कितनी बड़ी बात है, छठा रुकन है इस्लाम का, लेकिन आका करीम क्या बोलते हैं, अहय्युन वालिदा का, क्या तेरे वालदैन जिंदा हैं, काला नाम, का जी हुजूर जिंदा हैं, काला फफी है मा फजाहिद, कहा जा उनकी खिदमत कर, यही तेरा जिहाद। माँ बाप बीमार पड़े और बेटा जिहाद पे गया, अल्लाह के रसूल इसकी हौसला अफजाई नहीं की है। मैं एक दिन गुजर रहा था तो फजर की नमाज के बाद एक घर के सामने काफी लोग खड़े थे, तो मैंने पूछा क्या हुआ, तो कहने लगे कि फौतगी हो गई है। तो मैंने कहा कि उनका कोई बेटा नजर नहीं आ रहा, कहा तीनों बेटे तबलीग पे गए हुए हैं। मैंने कहा अच्छा अच्छा, माँ की फिर अचानक तबीयत खराब हुई होगी, कोई हार्ट का मसला बन गया। कहा नहीं नहीं, माँ फालिज में मुबतला थी। मैंने कहा फिर तो बहुत ज्यादती है कि माँ फालिज में मुबतला और तीनों बेटे तबलीग पे गए हो। माँ को जरूरत है और बेटा जाके पीर के दरबार पे बैठा है। गौसे आजम भी हैं तो फैज नहीं मिलेगा, पहला मुर्शिद माँ है। मैं बार्सिलोना के एयरपोर्ट पे था, तो वहां कोई अपना हम जुबान मिल जाए बैरूनी दुनिया में तो बड़ा अच्छा लगता है, तो मुझे लगा कि साथ वाले बेंच पे कोई माँ बोली बोल रहा है, तो मैं लुढ़क गया। तो वो इंडियन पंजाब के लोग थे, तो कहा कि ये हमारा दोस्त है, इसको हम अलविदा करने आए। तो मैंने पूछा कितने अरसे बाद जा रहे हो, तो वो कहने लगा 27 साल 3 माह बाद। तो मुझे दिलचस्पी पैदा हुई, तो मैंने कहा कि इतना अरसा, कहा कि बस वो आया था और ऐसा उलझा, कागजात का मसला बन गया, तो अब अल्लाह ने बेहतरी किया तो अब जा रहा हूँ। जब आया था उन फवान शबाब था और अब तो बुढ़ापा उतर रहा है, और बड़े हसरत भरे अंदाज में कहने लगा पता नहीं मेरे घर वाले अब मुझे पहचानते भी हैं या कि नहीं, 27 साल 3 माह बाद जा रहा हूं, पता नहीं मेरे घर वाले अब मुझे पहचानते भी हैं या नहीं। मैंने कहा और कोई पहचाने या ना पहचाने, माँ कदमों की आहट से पहचान लेगी, ये मेरे पुत्र के पैरों की आवाज लगती है। तो वालदैन की खिदमत करेंगे तो सरखरू होंगे, माँ बाप की बेअदबी करेंगे तो कभी भी आप सरखरू नहीं होंगे। तो वालदैन की रिजा को अल्लाह की रिजा समझो, रिजाउल्ला फी रिजाउल वालिद व सखतुल्ला फी सखतिल वालिद। वालदैन की रिजा में अल्लाह की रिजा छुपी है और वालदैन की नाराजगी में अल्लाह की नाराजगी छुपी है।